एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम युकावा मॉडल या फिर मेज़ोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये मॉडल किस एक जनरल फ्रेमवर्क के अंडर वर्क करता है। इस मॉडल के प्रेजेंट करने से पहले वो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता था, लेकिन डिफरेंट फोर्सेस के लिए जो पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं वो डिफरेंट थे, तो वो रिकग्नाइज किए गए बाय युकावा। तो हम वो देखेंगे एंड देन हम कुछ उसकी अजम्पशंस देखेंगे, ओवरऑल मींस लाइट्स का उस पर व्यू देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी डिटेल मैथमेटिकल और सारी चीज़ें देखेंगे उसकी। सो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर्ड होगा। सबसे पहले हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे QFT एज क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स के आ जाने के बाद हमने जाना कि बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ लाइक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वांटाइज्ड फॉर्म में क्वांटा फॉर्म में हमने देखा कि वो क्वांटाइज्ड हैं, और उसके क्वांटा को हमने फोटोन का नेम दिया, और इसके अलावा क्वांटाइजेशन हमने बहुत सारी चीज़ों में देखी। और इससे पहले हमने फोर्सेस का मैकेनिज़म एक्सप्लेन किया हुआ था फैराडे के कंसेप्ट फील्ड के थ्रू। ठीक है, फील्ड्स के थ्रू ये पहले से बहुत बड़ा इशू रहता था कि फोर्सेस कैसे एक दूसरे के दो पार्टिकल्स के दरमियान ट्रांसमिट होती हैं, विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पहले इंस्टेंटेनियस समझा जाता था, लेकिन फील्ड्स के कंसेप्ट आए और हमने स्पीड्स देखी, डिफरेंट लाइक स्पीड ऑफ लाइट देखी, वो फाइनाइट थी और ये सारी चीज़ें। तो फिर हमें फाइनाइट स्पीड्स का पता चला कि फोर्सेस जो हैं दो पार्टिकल्स के दरमियान विद अ फाइनाइट स्पीड ट्रांसमिट होती हैं। तो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे का सबसे पहला कंसेप्ट फील्ड्स आया, जिसने बहुत हेल्प की, और ये क्लासिकल फील्ड्स थी, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक लेक ले लेते हैं विच इज़ अ फील्ड, ओके, तो जब तक उस लेक में कोई डिस्टर्बेंस या कोई पत्थर वगैरह हम नहीं फेंकते, अभी तक लेक बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी वेव्स जनरेट नहीं होती। लेक में आप एक पत्थर फेंकते हो, ठीक है, वो पत्थर फेंकने के बाद उस पत्थर के अराउंड ये वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, डिस्टर्बेंसेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस इज़ अ बेटर वर्ड, डिस्टर्बेंसेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं आउटवर्ड, जो इनर्जी को कैरी आउट कर रही होती हैं। इसी तरह जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस किया, तो ये ऐसा ही है जैसे आपने एक लेक में पत्थर फेंका। तो ये चार्ज पार्टिकल जब आपने प्लेस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अराउंड वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, डिस्टर्बेंसेज जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, ये डिस्टर्बेंसेज आउटवर्ड मूव कर रही होती हैं और ये इनर्जी को कैरी आउट कर रही होती हैं। तो अगर कोई दूसरा पार्टिकल इसके रास्ते में नहीं है, तो ये परफेक्टली स्फेरिकल डिस्टर्बेंसेज होंगी और ये आउटवर्ड ऐसे जा रही होंगी, और अगर कोई और पार्टिकल इसकी विसिनिटी में आ जाता है, ठीक है, तो ये भी अपनी वेव्स को डिस्टर्बेंसेज या जिन्हें हम फील्ड लाइंस कहते हैं जनरेट करता है, और जो रीजन इन वेव्स का ओवरलैपिंग रीजन होगा वो फिर वहाँ होगा जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही होगी, और यहाँ पे इनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और इनर्जी ट्रांसफ़र के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, और इस तरह से फोर्स एक्सर्ट होगी, और ये फिर फील्ड लाइंस जो है टाइम के साथ साथ चेंज होंगी और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से इसको अचीव कर लेती हैं, इस तरह से हो जाती है नेट कैंसिल आउट होने के बाद। ठीक है, तो ये इस तरह सा कुछ हो जाता है। हमें पता है कि अगर ऐसे दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उनकी फील्ड लाइंस कुछ डिस्टॉर्ट होकर कुछ इस तरह की हो जाती हैं, दोनों एक्सेलरेट करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, और फिर किसी स्टेबल डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है फोर्सेस की via these continuous lines, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का इफेक्ट और स्पेशल रिलेटिविटी का इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाते हैं, तो उस स्टडी को हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर देखते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED उसे कहते हैं। लेकिन अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंडर हम बोलें, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि फोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड दीज फोर्सेज आर मेडिएटेड आर कैरिड आउट बाय द फील्ड क्वांटा। यहाँ पे हम फील्ड लाइंस कंटिन्यूस फील्ड लाइंस को ले रहे हैं कि ये मेडिएट कर रही हैं फोर्सेस को, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में जब हम क्वांटाइज करते हैं तमाम फोर्सेस को और तमाम फील्ड्स को क्वांटाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी फील्ड्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल जब हम इस लेक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेक में फेंकते हैं या प्लेस करते हैं, तो उसके अराउंड जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो डिस्टर्बेंसेस क्या हैं, वो कंटिन्यूस डिस्टर्बेंसेस नहीं है बल्कि वो क्वांटा हैं।
ठीक है, फील्ड क्वांटा हैं उसके जो वो इमिट करता है, और वो फील्ड क्वांटा एनर्जी कैरी आउट कर रहा होता है, और उसकी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इज समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी फोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड दीज आर मेडिएटेड बाय द एंड द फोर्सेज आर मेडिएटेड बाय द फील्ड क्वांटाज और फील्ड पार्टिकल्स. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होल स्पेस है, कंटिन्यूम स्पेस, ठीक है, होल कंटिन्यूम जो स्पेस है, वी नो दैट स्पेस इज कंटिन्यूम, वो फील्ड है इन तमाम फील्ड्स, फंडामेंटल फील्ड्स फॉर द फोर्सेज, तमाम जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, लाइक वीक फोर्स की फील्ड है, वीक फील्ड हम उसे कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एंड ईएम फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. ये फील्ड्स ऑल द टाइम कंटिन्यूम स्पेस में मौजूद होती हैं. और अगर एक चार्ज, वीक चार्ज पार्टिकल हम स्पेस में रखते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वीक फील्ड में, और वो डिस्टर्बेंस क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड क्वांटा होगी. मींस कि ये अपने फील्ड क्वांटास, जो कि इसके केस में WZ बोसॉन्स होते हैं, उनको इमिट करेगा. और अगर कोई और वीक चार्ज भी मौजूद है उसकी विसिनिटी में, जो मतलब इससे इफ़ेक्ट वही हो सकते हैं ना, जो वही चार्ज रखते हों, जो मतलब जिनमें वीक फोर्सेस ओरिजिनेट हो सकती हैं, लाइक अगर किसी पे कलर चार्ज है और वो इफ़ेक्ट नहीं होगा वीक फील्ड से, ठीक है, तो दूसरा अगर कोई वीक चार्ज मौजूद है उसकी विसिनिटी में, तो वो इस वर्चुअल पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ट्रांसमिट होगी. और अगर कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं है ना, तो एज़ रिक्वायर्ड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आगे हम देखेंगे कि इस पार्टिकल को रीअब्जॉर्ब होना ही होना होगा. तो ये फिर रीअब्जॉर्ब वही चार्ज पार्टिकल कर रहता है जो इसे इमिट कर रहा होता है. तो इमिट अब्जॉर्ब ये इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होती रहती है. नेट मोमेंटम ट्रांसफर कैसा होगा हम वो बाद में देखेंगे, जब डिटेल्स देखेंगे. तो इसी तरह ग्रेविटेशन फील्ड्स के लिए जो क्वांटा है उनको हम ग्रेविटॉन्स का नाम देते हैं, कि जब भी कोई मास प्लेस होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो ग्रेविटॉन्स को एस फील्ड क्वांटा को इमिट करता है. तो ये अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए न्यूक्लियर फोर्स में अभी वैसे बेहतर कहूँगी, क्योंकि यूकावा मॉडल इज मेनली फॉर द न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन. तो हम न्यूक्लियर फोर्स कह दें तो ज़्यादा बेहतर है. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए ग्लूऑन्स हैं वो पार्टिकल्स, जबकि न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके लिए हम मेसोन्स का नाम देते हैं, वो आगे हम देखेंगे. ईएम फील्ड्स के लिए वो फोटॉन्स हैं, ठीक है. और अगर हम इसका अभी से एक लाइट सा व्यू देख लें कि किस तरह से मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है जब भी ये वर्चुअल पार्टिकल्स इमिट या एब्जॉर्ब होते हैं, आई थिंक अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है. क्वांटम फील्ड थ्योरी से आया है, दैट सेज दैट द होल स्पेस इज फिल्ड विद दैट कंटिन्यूम स्पेस, द होल कंटिन्यूम स्पेस इज फिल्ड विद दीज फोर फील्ड्स, और इनमें जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है या फिर प्लेस किया जाता है, तो वो रिपल्स डिस्टर्बेंसेस को जनरेट करता है, एंड दैट डिस्टर्बेंसेस आर फील्ड क्वांटास. ओके, और इन सब की क्वांटाइजेशन इन सब फील्ड्स की गई है, और इसके रिजल्ट में कि ये क्लासिकल फील्ड्स को जनरेट नहीं करता, बल्कि ये फील्ड क्वांटास को इमिट करता है, क्वांटा की फॉर्म में करता है. ये इस तरह की कंटिन्यूस फील्ड्स जनरेट नहीं होती, क्लासिकल फील्ड्स नहीं जनरेट होती, बल्कि ये फील्ड क्वांटा या फील्ड पार्टिकल्स को इमिट करता है. और उनकी इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन अभी हम देखते हैं कि किस तरह से मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है उससे. तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक Q1 चार्ज ले लेती हूँ और यहाँ पे Q2 चार्ज ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का एग्जांपल ले रही हूँ, तो आप आगे ये मैं जोन्स के थ्रू भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं करूँगी भी, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स के थ्रू बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है. तो फोर्स जो है वो दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इट मीन्स फोर्स जो है एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ तो आपको क्लियर हो. तो Q1 चार्ज जब एक वर्चुअल पार्टिकल को इमिट करता है, अब ये Q2 चार्ज भी कर सकता है, ठीक है, करता भी है, ओके, लेकिन हम एट ए टाइम एक की बात कर सकते हैं, इसलिए हम एक की बात कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी. तो Q1 चार्ज जब एक वर्चुअल पार्टिकल को विच इज़ लाइक फोटोन कह देते हैं, फोटोन को जब इमिट करता है, तो फोटोन कुछ मोमेंटम कैरी आउट कर रहा होता है. ये पार्टिकल, क्योंकि इसने इस फोटोन को इमिट किया है, ये रिकॉयल करता है, और इसका जो मोमेंटम चेंज होता है वो हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव
डायरेक्शन बस करने के लिए, तो ये रिकॉयल करेगा विद माइनस पी मोमेंटम। अब ये जो फोटोन है मोमेंटम कैरी आउट कर रहा है, और ये जब ये पार्टिकल इस को एब्जॉर्ब करता है फोटोन को विच इज़ वर्चुअल पार्टिकल, तो इसका मोमेंटम भी चेंज होता है बाय एन इक्वल अमाउंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस पी है तो ये पी होगा, ठीक है। इसकी इमिशन ने इसमें चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस किया माइनस पी, और इसकी एब्जॉर्प्शन ने इसमें मोमेंटम को चेंज किया बाय पी। लेट्स से पहले दोनों रेस्ट पे थे, तो अब इस पूरी ओवरऑल असेंबली में मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना हुआ है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है? ये एक इवेंट है, ठीक है, जिसमें एक दफ़ा फोर्स एग्जर्ट हो चुकी है, तो दैट इज़ दैट मोमेंटम माइनस दैट मोमेंटम, तो पी माइनस माइनस पी, दैट इज़ इक्वल्स टू ये डेल्टा पी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के दरमियान कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है, तो पी प्लस पी, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू टू पी। तो मोमेंटम ट्रांसफ़र टू पी हुआ है इन अ टाइम डेल्टा टी, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अगर सिर्फ हम ये वाला प्रोसेस देखें और इसकी एब्जॉर्प्शन ना देखें, तो एब्जॉर्प्शन अगर इसकी ना हो तो ये प्रोसेस फिज़िकली फिजिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है अगर हम ये सिर्फ प्रोसेस देखें, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम ओरिजिनेट होता है बिटवीन द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन का टाइम जो होता है ना, उसे हम डेल्टा टी टाइम कहते हैं, कि ये मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है इन दैट डेल्टा टी टाइम, क्योंकि इमिशन हुई एब्जॉर्प्शन हुई, तो ये कितने इंटरवल में हुई, डेल्टा टी में। तो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हुई है वो टू पी बाय डेल्टा टी हुई है, और डेल्टा टी हमें पता चलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, क्योंकि एनर्जी वॉयलेशन यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे मेसन थ्योरी में, उसको अवॉइड करने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये हमें कहता है कि अगर ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में हो जाता है तो एनर्जी वॉयलेशन नहीं होगी, और वो डेल्टा टी टाइम क्या होगा वी विल सी इट लेटर, लेकिन अभी हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स के थ्रू इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वर्चुअल पार्टिकल के थ्रू फोर्स ट्रांसफ़र हुई है, फोर्स ओरिजिनेट हुई है, या मोमेंटम ट्रांसफ़र कैसे हुआ है, और ये डिस्क्रिप्शन आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंडर ये सारी डिस्क्रिप्शन और वर्क हो चुका था, और उस डोमेन को जो इसको डील करती है वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वर्चुअल पार्टिकल्स के थ्रू मेडिएट होते हुए और वो सारी थ्योरी को स्टडी करते हैं इसकी बेस पे। तो नीड थी कि जो दूसरी फोर्सेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन दूसरी फोर्सेस के लिए अभी रह गया था, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स वॉज वन ऑफ देम, जिसको करने की कोशिश सबसे पहले हेजनबर्ग ने भी की, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी जितनी युकावा की थी। इन 1935 युकावा प्रेजेंटेड हिज मॉडल विच वाज बेस्ड ऑन मेसन, ही कॉल्ड मेसन एज द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस, और मेसन कहा गया क्योंकि ये वर्ड ग्रीक वर्ड है मेजो, दैट मीन्स मिडल। उसने जो पार्टिकल प्रिडिक्ट किया था, उसका जो मास उसने प्रिडिक्ट किया, दैट वाज इन मिडल, इन बिटवीन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ न्यूक्लियॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-31 केजीज में होता है, जबकि मास ऑफ न्यूक्लियॉन 10^-27 केजीज में होता है, और मेसन का मास जो उसने प्रिडिक्ट किया दैट वाज इन 10^-28 केजीज तक था, या 29 केजीज तक था। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात करें तो इसने 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर उसका मास प्रिडिक्ट किया था। तो इस रेफरेंस से उसे मेसन कहा गया, और ही सेड के जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो भी कैरिड आउट होती हैं बाय दीज मेडिएटिंग पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड एज मेसन, एंड ही प्रिडिक्टेड इट्स प्रॉपर्टीज़ लाइक उसका मास क्या होना चाहिए, स्पिन क्या होना चाहिए, और ये सारी उसने चीज़ें प्रिडिक्ट की। और उसने कहा कि जब एक न्यूक्लियॉन, वन ऑफ द न्यूक्लियॉन, जैसे N1 इधर है, N2 इधर है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो दैट अकर्स के N1 पार्टिकल वन ऑफ देम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो N1 पार्टिकल ने लेट्स से इसने इमिट किया एक मेसन को, और इमिट करने के बाद दिस वन पार्टिकल एब्जॉर्ब्स दैट मेसन, और दिस इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मेसन रिजल्ट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है बाय मीन्स ऑफ मेसन्स। इसकी डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही है जैसे हमने पहले देखी थी। और अगर टू न्यूक्लियॉन्स, जैसे न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि हर वक्त स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद रहती है, हर वक्त न्यूक्लियर फोर्स मौजूद रहती है, इट मीन्स कि हर वक्त
जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान ये मेसॉन्स एक्सचेंज होते रहते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये इमिट लेस से करता है वो एब्जॉर्ब, ये इमिट या ये एब्जॉर्ब, और ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये इमिशन एब्जॉर्प्शन ऑल द टाइम होती रहती है, ऐसे ही जैसे इसे कंपेयर किया जाता है कि जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो और बैडमिंटन खेलते हुए एक दिस इज़ फर्स्ट पार्टिसिपेंट ये इस रैकेट शटल से इसको इमिट करता है शटल को, और ये दूसरा पार्टिकल विच इज़ द अदर पर्सन जो दूसरे साइड पे खड़ा होता है वो उसको रिसीव करता है और वो उसको हिट करता है, देन ये और ये एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि ऑल द टाइम ऐसे एट रैंडम ये इसके पार्टिकल, ये जो पार्टिकल इमिट करता है ये एब्जॉर्ब, ये जो इमिट करता है ये एब्जॉर्ब, या फिर एट रैंडम सारी ऐसे एमिशन एब्जॉर्प्शन होती रहती है, और यही एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ब्रिंग्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और दोनों अगर न्यूक्लियर फोर्स है और एक सर्टन डिस्टेंस में है ये, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर ही होगी और दोनों बाउंड्री स्टेट में रहेंगे। नेक्स्ट ऑन हम इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि समटाइम्स रिपल्सिव भी हो सकती है, और यहाँ पे हम एक मेसॉन का एक्सचेंज देख रहे हैं ना, तो एट अ टाइम टू मेसॉन्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। लेट्स से इसने टू मेसॉन्स इमिट किए और इसने टू एट अ टाइम सिमल्टेनियसली एब्जॉर्ब कर लिए, थ्री मेसॉन्स भी हो सकते हैं, तो वो सारी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। और युकावा की ये जो प्रिडिक्शन थी और उसने जो भी सारी चीज़ें की थी उस सब का जो बेसिक फ्रेमवर्क जिसको इसने कंटिन्यू किया था वो क्वांटम फील्ड थ्योरी ही था, जिसके अकॉर्डिंग फोर्सेस आर मेडिएटेड बाय द पार्टिकल्स, द वर्चुअल पार्टिकल्स, और इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, इमिशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल जो उसको इमिट कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट वर्चुअल पार्टिकल चेंजेस द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड द होल प्रोसेस में 2p चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस होता है इन अ डेल्टा टी टाइम, एंड वी नो दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ टाइम, एंड हेंस फोर्स इज एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टिकल्स, एक्सर्टेड बिटवीन द टू पार्टिकल्स बाय मीन्स ऑफ दिस एक्सचेंज पार्टिकल्स। तो युकावा ने कहा कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में जिस तरह से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस्टेब्लिश की गई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जिसमें इसी फिनोमेना के थ्रू फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं, तो उसने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस भी इसी तरह से वर्क करती होंगी, और उसने फिर न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए द सेम चीज़ें की, और उसने थ्री मेसॉन्स को जो कि एक अनचार्ज में जोन है जिसपे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, और दो जो चार्ज में जोन से, हम देखेंगे ये कैसे हम इनको कर सकते हैं, तो इनको प्रेडिक्ट किया, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी हैं। इनका मैसेज स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि आपने थ्योरी में कौन कौन सी अजम्पशंस ली हैं, एंड रीज़न हम जब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएंगे। सो अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होता है, इस फिनोमेना को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी तक हमने युकावा मॉडल में ये देखा कि उसने एक पार्टिकल को प्रिडिक्ट किया जिसका मास जो है वो ये था इन बिटवीन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, और फोर्स एक्सचेंज कैसे होती है मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया, और इसका जो बैकग्राउंड था या फिर युकावा ने जिस चीज़ को कंटिन्यू किया वो दैट वाज क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते, मतलब फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया और ये पार्टिकल्स को प्रिडिक्ट किया दैट वर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड टू। और जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मन किए गया, सबसे पहले जो भी इस मास के करीब तीन हमें पार्टिकल्स मिले वो हमने समझा कि वो मेसॉन्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉस्मिक रेज से म्यू मेसॉन्स को डिस्कवर किया गया विच वर लेटर कॉल्ड एज म्यूऑन्स, ठीक है। तो ये समझा गया कि ये युकावा का मेसॉन है या युकावास पार्टिकल है, लेकिन इट वॉजंट बिकॉज ये वीकली इंटरेक्ट कर रहा था न्यूक्लियस या फिर मैटर के साथ, जबकि अगर ये मेसॉन है और ये क्वांटा है न्यूक्लियर इंटरेक्शंस का, तो इसे स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करना चाहिए विद एटलीस्ट न्यूक्लियॉन्स, जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ था। और इसके साथ साथ इसकी जो स्पिन थी दैट वॉज स्पिन हाफ, जबकि मेसॉन का नेक्स्ट ऑन हम देखेंगे कि स्पिन उनकी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये बोसॉन्स होते हैं, जबकि ये वाले पार्टिकल जो हमें मिले थे वो फर्मियॉन्स थे। तो इन दैट सेंस हमने फिर उसको कहा कि ये मेसॉन्स नहीं हैं बल्कि ये मियॉन्स और ये लेप्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। बाद में इसको और रिफाइन किया गया, जब किया गया और उसके साथ साथ फिर पार्टिकल्स हमें डिस्कवर होना शुरू हो गए, और जो पार्टिकल युकावा के पार्टिकल थे उनको पाए मेसॉन्स का नाम दिया गया, जिन्हें हम पायोन्स भी कहते हैं, ठीक है, और समटाइम पी मेसॉन्स भी कह देते हैं। दीज टू आर मोस्ट यूज्ड जो वर्ड्स हैं उनको नेम करने के लिए, तो पाए मेसॉन्स या फिर पायोन्स, और इनकी रिप्रेजेंटेशन
पाई अगर जीरो चार्ज है मींस न्यूट्रल है तो ये, और चार्ज जो मेसोन्स हैं उनको ऐसे शो करते हैं, ये प्लस वन चार्ज वाला और ये माइनस वन चार्ज वाला। ये कैसे आते हैं ये आगे हम देखेंगे, लेकिन जस्ट कि आपको जब पता हो। नाउ हम देखते हैं कि क्या होता है जब ये एक्सचेंज प्रोसेस होता है तो इनर्जी कंजर्वेशन की क्या स्टेटस होती है, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूकावा मॉडल। ओके, तो इसमें सबसे पहले लेट्स से वी हैव अ पार्टिकल न्यूक्लियन, क्योंकि मेसोन थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियंस को कंसिडर हम कर रहे हैं, तो हियर इज़ द न्यूक्लियन, ठीक है। और इसने अभी तक कोई भी इमिशन नहीं की वर्चुअल पार्टिकल की, तो बिफोर दैट इसका जो इनर्जी इसके पास है इसके रेस्ट फ्रेम में, दैट इज़ इट्स रेस्ट इनर्जी विच इज़ एम एन सी स्क्वेयर। ओके, ये इसकी इनिशियल इनर्जी है बिफोर इमिटिंग द वर्चुअल पार्टिकल। नाउ सेकेंड मोमेंट में उसने वर्चुअल पार्टिकल को इमिट कर दिया, यहाँ पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस है और उसमें सिर्फ ये न्यूक्लियन मौजूद है, तो दिस होल सिस्टम हैज़ ओनली दिस इनर्जी। अब हमारे पास सिस्टम में एक वर्चुअल पार्टिकल आ चुका है, दिस इज़ मेसोन, ठीक है, और मेसोन जिसे मैं पाए यहाँ पे इन जनरल शो कर देती हूँ, उसको इमिट किया। तो अब इमिशन के बाद ये अब अगर हम देखें तो इस सिस्टम की कोई ना कोई नेट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेट्स से ये इसके रेफरेंस से मूव भी कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट एनर्जी, फाइनल एनर्जी कंटेंट अगर इस सिस्टम का देखें देन इट कंटेन्स इसकी रेस्ट एनर्जी विच इज़ ई एन, जो कि हमने एम एन सी स्क्वेयर, और इसकी रेस्ट एनर्जी विच इज़ एम पाई सी स्क्वेयर, एम पाई इज़ द मैस ऑफ द पाई मेसोन, और जो उसने वर्चुअल पार्टिकल इमिट किया। और वर्चुअल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनको क्यों ऐसे नेम किया जाता है, इसकी डेफिनेशन भी आगे हम देख लेंगे जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा तो, और विद इट्स सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल एनर्जी कंटेंट्स आ चुके हैं, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इज़ एम एन सी स्क्वेयर, फाइनल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन एम एन सी स्क्वेयर। ओके, एम एन सी स्क्वेयर है लेकिन उसमें ये वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है विच इज़ मेकिंग इट अनइक्वल टू द इनिशियल एनर्जी कंटेंट, और इस तरह से एनर्जी वॉयलेशन हो रही है बाय एन अमाउंट एम पाई सी स्क्वेयर प्लस के। लीस्ट एनर्जी वॉयलेशन क्या होगी, लीस्ट एनर्जी वॉल्यूशन होगी कि लेस काइनेटिक एनर्जी जिसमें जीरो हो और एटलीस्ट ये पार्टिकल इमिट हुआ, और काइनेटिक एनर्जी अगर नॉन जीरो है तो ये वॉल्यूशन एनर्जी वॉल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी, ये एनर्जी वॉल्यूशन है। लीस्ट क्या हो सकती है जिसमें के जीरो हो, तो लीस्ट एनर्जी वॉल्यूशन हम कहते हैं कि द एनर्जी वॉल्यूशन अकर्स बाय एटलीस्ट एम पाई सी स्क्वेयर अमाउंट एंड इट कैन बी ग्रेटर देन दैट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट आता है, ठीक है। तो ये एनर्जी वॉयलेशन एम पाई सी स्क्वेयर हो सकती है, ये इससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट क्या होगी ये होगी। तो ये एनर्जी वॉयलेशन हो रही है तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस इन प्रिंसिपल वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है अगर उनमें एनर्जी वॉयलेशन हो रही हो, तो ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करें और इस एनर्जी वॉयलेशन को यूज़ करें और देखें कि क्या हदें होंगी ऐसे प्रोसेस पे जिसमें ऐसी एनर्जी वॉयलेशन हो पाए। तो हमें पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये एक्सप्रेशन डेल्टा ई डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच कट बाई टू। ओके, तो हम करते हैं कि ये लेट्स से एच कट बाई टू को लेके चलते हैं, और डेल्टा टी इज़ द टाइम इंटरवल जिसमें डेल्टा ई एनर्जी अनसर्टेनिटी हो। तो डेल्टा टी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि टाइम इंटरवल जो कि शो करेगा जिसमें ये एनर्जी वॉयलेशन हो रही है, इनर्जी ये डेल्टा ई, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी फाइंड आउट करना चाहें तो डेल्टा ई की लीस्ट वैल्यू क्या है, एम पाई सी स्क्वेयर, इससे ग्रेटर भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, और डेल्टा ई इससे ग्रेटर भी हो सकता है। मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक एनर्जी फॉर नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो होती है तो इससे ग्रेटर भी हो सकती है। तो इस स्टेटमेंट को हम एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा ई की मिनिमम वैल्यू ये है तो मीन्स डेल्टा टी उसमें मैक्सिमम है, इनवर्स रिलेशन है ना, तो अगर डेल्टा ई इससे ग्रेटर हुआ तो डेल्टा टी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू एम पाई सी स्क्वेयर। ओके, और डेल्टा टी क्या होगा, यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि किस कंडीशन में ये प्रोसेस
फिजिकली पॉसिबल है, और इसके लिए ये है कि डेल्टा टी इज़ द टाइम इंटरवल जिसमें ये एनर्जी वॉल्यूशन हो रही है. एनर्जी वॉल्यूशन इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस पार्टिकल. ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि जो पार्टिकल, वर्चुअल पार्टिकल क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाए, यही कर ले या कोई और पार्टिकल कर ले, कोई और न्यूक्लियॉन कर ले, इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी या इससे लेस टाइम में, डिपेंडिंग अपॉन के एनर्जी कंटेंट क्या है, एनर्जी वॉल्यूशन कितनी है, तो अगर वो डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर इमिट और एब्जॉर्ब हो जाए तो ये एनर्जी वॉल्यूशन विल बी पॉसिबल एज पर कंस्ट्रेंड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये वर्चुअल पार्टिकल्स और ये एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स अगर डेल्टा टी टाइम में हो जाता है तो ये एनर्जी वॉल्यूशन पॉसिबल है. हेंस हमें एक वे मिल चुका है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कि दिस होल थिंग इज़ हैपनिंग विया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इन पार्टिकल्स को जो ये एक्सचेंज हो रहे होते हैं इनको वर्चुअल पार्टिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंस्ट्रेंड होते हैं बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और ये डेल्टा टी टाइम बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही वजूद में आते हैं. डेल्टा टी इज़ द लाइफ टाइम. ठीक है, इमिट हुआ और एब्जॉर्ब हो गया, जब एब्जॉर्ब हो गया मीन्स उसकी डेथ होगी. तो दिस इज़ द लाइफ टाइम, इसको लाइफ टाइम को शो करता है. और क्योंकि ये कंस्ट्रेंड है बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसलिए इनको हम वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये रियल पार्टिकल्स नहीं होते, ये फौरन वजूद में आते हैं और इनर्जी वॉल्यूशन की वजह से आते हैं. लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हम इस एनर्जी वॉल्यूशन को इस टाइम के अंदर अंदर नहीं देख सकते, मतलब वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, देर इज़ नो वे टू फाइंड आउट कि एनर्जी वॉल्यूशन हुई है अगर वो डेल्टा टी टाइम के लिए हो. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनको वर्चुअल कहा जाता है क्योंकि इनको इनकी एग्जिस्टेंस पता नहीं लगाई जा सकती बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. कुछ बुक्स में मैंने देखा है, जैसे आर्थर बाइजर की बुक में, उसमें ये कहा जाता है कि ऐसे पार्टिकल्स को वजूद में लाया जा सकता है, इनको रियल पार्टिकल बनाया जा सकता है अगर इस एनर्जी वॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग इनको एनर्जी दी जाए. तो इनकी मज़ीद डिटेल्स देखी जा सकती है. तो ये नीड थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इन्वॉल्व होने की टू मेक दैट प्रोसेस फिजिकली पॉसिबल. एनर्जी कंजर्वेशन ना हो तो वो फिजिकली पॉसिबल प्रोसेस नहीं होता. तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो न्यूक्लियॉन है वो अगर इमिट करता है पायोन्स को, मेजोन्स को, तो उस मेजोन को या पायोन को डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेना होगा, या वो खुद कर ले या कोई और पार्टिकल अगर मौजूद है तो वो कर ले, लेकिन इसी टाइम इंटरवल के दरमियान. और जिनका डेल्टा टी स्मॉल होता है, ठीक है, जिनका डेल्टा टी स्मॉल होता है उनमें फोर्स बहुत जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक है, इंटरेक्शन रेट हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता है क्योंकि बहुत ही जल्दी वो पार्टिकल एक्सचेंज हो जाते हैं, एनहेंस मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है. लेकिन जिनके डेल्टा टी ग्रेटर होता है उनको ग्रेटर टाइम लगता है फोर्स को ट्रांसमिट करने में. तो ये फिर तमाम फोर्सेस के लिए हम देख सकते हैं डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट मेजोन्स के क्योंकि डिफरेंट मैसेज हैं तो उनके जो रेट ऑफ इंटरेक्शन है वो भी स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं डेल्टा टी इज़ लेस देन आर इक्वल टू एच कट बाय 2m π², ये हमने एक इक्वेशन लिख ली है कि जो उसकी लाइफ टाइम है मेजोन की या किसी भी वर्चुअल पार्टिकल की, यहाँ पे वैसे मैस और मेजोन यूज़ किया हुआ है तो हम पाई मेजोन, तो वो इस टाइम, ये उसकी लाइफ टाइम होनी चाहिए इससे लेस या इतनी. तो और अगर हम ये वाली रिलेशन यूज़ करें तो इसको यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैस ऑफ पायोन्स, जो कि युकावा ने भी यूज़ किया था टू प्रिडिक्ट द मैस ऑफ द मेजोन्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स के मेडिएटिंग पार्टिकल्स होंगे. तो ये मैं अगर रिलेशन यहाँ पे लिखूँ, डेल्टा टी इज़ एच कट बाय 2m π². ओके, तो इसमें डेल्टा टी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे रेंज ऑफ फोर्स से रिलेट करें तो रेंज इज़ कि मैक्सिमम पॉसिबल मेजोन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं. नाउ डेल्टा टी इज़ तो फिक्स्ड, ठीक है, तो रेंज अगर हम स्पीड और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है देन दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, और मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड इफ़ दे मूव विद द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लिमिट्स वगैरह लगा रहे हैं. तो मैक्सिमम पॉसिबल किसी भी पार्टिकल की स्पीड क्या हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सी हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती. मेजोन्स मैसलेस नहीं हैं, उनकी स्पीड सी को रीच नहीं कर सकती एज
कंस्ट्रेंड बाय स्पेशल रिलेटिविटी, लेकिन यहाँ पे हम हद लगा रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 99.999% भी हो सकती है ना द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हम यहाँ पे हद लगा के देखना चाहते हैं कि मैस ऑफ पायोन्स तकरीबन कितना होगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है। तो मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या हो सकती है, सी हो सकती है। तो सी स्पीड के साथ वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम तो फिक्स्ड है कि इतने टाइम में जितना उसका मैस है उसे इतना ही जिएगा या इससे कम ही जिएगा। तो यहाँ से हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ आर बाय सी। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ आर बाय सी, क्योंकि रेंज हमें पता है ना न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या है तकरीबन, तो अगर मैं एम पाई फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ये दोनों उधर चले जाएंगे, एम पाई इधर आ जाएगा। तो एच कट सी बाय आर, टू सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल, तो एच कट बाय टू सी आर। ओके, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें और रेंज हम पुट करें 10^-15, ठीक है, 1 फेमटोमीटर इसमें पुट करें, तो जो कि एक एवरेज न्यूक्लियस का साइज़ बनता है, तो अगर हम इसमें पुट करें तो मैस ऑफ आयन हमारे पास 100 MeV पर सी स्क्वेयर आता है। तो ये उसने मैस प्रिडिक्ट किया था इन पायोन्स का, जो कि बाद में 140 MeV पर सी स्क्वेयर पाया गया था, और इसकी एवरेज अराउंड, और विच वॉज अ गुड फाइंडिंग सच दैट कि हमने यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हुई हैं, ये सारी अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हुई हैं, स्पेशली ये वाली। तो ये इस तरह से हमने पहले ये प्रोसेस को एनर्जी कंजर्वेशन से देखा, फिर उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमने हद देखी या कंस्ट्रेंट्स देखे जो कि पायोन्स पे उनकी एग्जिस्टेंस पे लगते हैं, विच इज़ द लाइफ टाइम जो उनकी होगी। बुक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो यूज़ किया जाता है ना, वो डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एज कट यूज़ किया जाता है, तो एज कट बाय टू यूज़ नहीं किया जाता। तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जहाँ यहाँ पे 100 MeV पर सी स्क्वेयर आया, आपके पास जो मैस आएगा वो 200 MeV पर सी स्क्वेयर आएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है, लेकिन ये भी अगर आप अपनी बुक के लिहाज से करते हो और सिमिलर चीज़ों को बस टू जहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर दें, तो सिमिलर ही प्रोसीजर होगा और सिमिलर ही सारी कंक्लूजन्स आप इसमें से ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू ये सब कुछ, और हमने जनरल देख लिया कि किस तरह से ये हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल चुका है कि जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं उनका इमिशन, ठीक है, इनर्जी वोलेशन क्रिएट करता है। तो उससे बचने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर ये अगर हो जाता है प्रोसेस, तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये हुआ है, ठीक है। तो मींस एक्सपेरिमेंटली आप इस चीज़ को इनर्जी वोलेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे अगर वो डेल्टा टी टाइम के लिए हो जाता है, डेल्टा टी टाइम या इससे लेस टाइम में हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के उस पार्टिकल का मास क्या है जो इमिट हुआ है, या फिर एनर्जी वोलेशन कितनी हुई है उस पे डिपेंड करता है। तो हेंस जो इमिजन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों जो प्रोसेसेस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ टाइम जो उसको डिफाइन करता है। डेल्टा टी इज़ द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी वोलेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ दैट पार्टिकल। प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल अगर हो गई है तो वही एनर्जी वोलेशन है, और उसकी लाइफ टाइम क्या होनी चाहिए, इमिट किया है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसकी डेथ मीन, तो दैट शुड बी द लाइफ टाइम। और सिर्फ इमिजन हो एब्जॉर्प्शन ना हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसे प्रोसेसेस फिजिकली भी पॉसिबल नहीं हैं। तो अगर इमिट हुआ है वर्चुअल पार्टिकल देन इट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द सेम चार्ज पार्टिकल जिसने उसको इमिट किया, या फिर बाय सम अदर चार्ज पार्टिकल, लेकिन उसे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा विद इन डेल्टा टी टाइम। और अभी हम न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कितने तरह की हमारे पास पॉसिबल होती हैं इंटरैक्शंस। और क्योंकि टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं बाय न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन प्रोटॉन करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन करते हैं, और हम देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे मैं जो फर्स्ट मेंबर ले रही हूँ, इट मींस इट इज़ द वन दैट इमिट्स, दिस इज़ द वन दैट एब्जॉर्ब्स, ठीक है, इट इज़ द वन दैट इमिट्स, सो दैट वन इज़ द वन दैट एब्जॉर्ब्स। तो इससे मैं ये मुराद इन सब में ले रही हूँ, फर्स्ट वाला जो मेंबर होगा वो इमिट कर रहा होगा, सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्योंकि कौन इमिट कर रहा है कौन एब्जॉर्ब कर रहा है दैट लार्जली इफेक्ट्स पायोन्स के नेचर को, कि जब आपके पास चार्ज्ड पायोन्स स्पेशली हो जाते हैं ना, उसके लिए आप एन पी का प्रोसेस इज़ नॉट इक्वल टू पी एन, ठीक है। ये आगे हमको क्लियर हो जाएगा कि कुछ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन
लेट्स से इस पार्टिकल के थ्रू एक्सचेंज कर सकता है प्रोटॉन के साथ, इस पार्टिकल के थ्रू एक्सचेंज फोर्स एक्सचेंज होती है, लेकिन न्यूट्रॉन इस पार्टिकल्स के थ्रू प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते, मींस न्यूट्रॉन इस मेसोन को लेट्स से इमिट नहीं कर सकता। ये आगे हम अभी करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि आगे ये जब भी आप इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं इसमें हम फेमन डायग्राम्स को यूज़ करेंगे। मेक श्योर आपने फेमन डायग्राम की वीडियो देखी हो। तो इसमें हम चार्ज कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन को हाथे में लाते हैं स्पेशली ये, और इसमें वैसे कोई वॉल्यूशन हो नहीं रही होती, और स्पिन कंजर्वेशन भी, ये दोनों तरफ जो स्पिन है वो सेम हो, टोटल सम सेम हो, तो हम वो भी यूज़ करेंगे। और फेमन डायग्राम का मैं पहले एक रफ रिव्यू दे देती हूँ, रफ़ नहीं मतलब एक क्विक व्यू दे देती हूँ, जिसमें यहाँ पे आपके पास टू न्यूक्लियन की इंटरेक्शन है। लेट्स से एक न्यूट्रॉन है और दूसरा भी न्यूट्रॉन है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक वन ऑफ देम विल द वन दैट इमिट्स द मेसोन और दूसरा होगा जो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे इंटरेक्शन होती है दोनों के दरमियान। तो लेट्स से ये वाला है जो इमिट करेगा और ये वाला है जो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इनिशियल पार्टिकल्स, इनको मैं नेम कर देती हूँ बिफोर इंटरेक्शन। तो ये इसको पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन्स के वैक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए। एंटी पार्टिकल्स अगर हो ना तो उनके आप वैक्टर्स ऑपोजिट ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। तो और जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी ये एंगल्ड होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं। जो रेस्ट में पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो खैर यहाँ से ये हमने टू वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, दीज आर द इनिशियल पार्टिकल्स। अब ये वाला पार्टिकल न्यूट्रॉन है जो कि एक मेसोन को, पाई मेसोन को जिन्हें हम पायोन्स कहते हैं, उसको इमिट करेगा, और पायोन्स को हम इन ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पायोन्स को भी और डब्ल्यू जी बोजोन्स को भी जो कि वीक इंटरेक्शंस में होते हैं, तो इनको हम इनसे ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पायोन कौन सा वाला है ये हम बाद में देखते हैं। तो ये पायोन को इमिट किया इसने, और ये पायोन को इमिट करने के बाद ये बन गया, ये स्कैटर हो गया, ये इमिट करने के बाद स्कैटर हो गया इन दैट डायरेक्शन, और न्यूट्रॉन ही रहा, वो उसकी नेचर नहीं चेंज हुई। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल इंटरेक्शन। और ये वाला पार्टिकल अब इसने इस पायोन को जो इसने इमिट किया था इसको एब्जॉर्ब किया इस वर्टेक्स पे, और ये यहाँ पे स्कैटर हो गया। तो यहाँ पे ये टू वर्टेक्स हमारे पास बनते हैं, ये वर्टेक्स है इमिजन का वर्टेक्स, इस वर्टेक्स में इमिजन हुई है, इस वर्टेक्स में एब्जॉर्प्शन हुई है, और ये फाइनल पार्टिकल्स हैं जिन पे फोर्स एग्जर्ट हो चुकी है, और ये इनिशियल पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो ये इस तरह से फेमन डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम आगे देखेंगे, ये न्यूट्रल मेसोन ही है जिसमें नेचर ऑफ पार्टिकल चेंज ना हो ना, वो न्यूट्रल मेसोन्स के थ्रू उनमें इंटरेक्शन होती है। नेचर ऑफ कि ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, इसी तरह ये अगर प्रोटोन है ये भी प्रोटोन, आफ्टर इंटरेक्शन भी अगर वो प्रोटोन ही रहता है, मीन्स पी पी इंटरेक्शन में अगर हम देखें तो वो भी न्यूट्रल मेसोन के थ्रू होता है। न्यूट्रल मेसोन के थ्रू नेचर ऑफ पार्टिकल नहीं चेंज होता, जबकि चार्ज्ड मेसोन्स के केस में नेचर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाता है। लेट्स से यहाँ पे न्यूट्रॉन है ना, वो इमिट करने के बाद पार्टिकल को बन जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एन इंटरेक्शन हो सकती है न्यूट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स के साथ, प्रोटॉन की प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन्स के साथ, और प्रोटॉन की न्यूट्रॉन्स के साथ। इसमें मींस डिफरेंस ये है कि जो मैंने फर्स्ट मेंबर लिखा है इट इज़ द वन दैट विल इमिट द वर्चुअल पार्टिकल एंड द अदर वन विल एब्जॉर्ब इट। तो अगर ये देखें तो ये फिर स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, मीन्स इनमें जो मेसोन्स इमिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये इंटरेक्शन किस तरह की होंगी और इनमें कौन कौन से मेसोन्स पॉसिबल हैं, तो दे अकॉर्डिंग टू दिस दे आर द थ्री पायोन्स जो कि पॉसिबल हैं, यही प्रिडिक्ट किए गए थे। और ये तीनों इनके मैसेज भी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मन किए गए हैं और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं, मींस ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी मेसोन्स हैं, और भी पाई मेसोन्स हैं जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि टू न्यूक्लियॉन्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, वो दोनों कितने सेपरेटेड हैं। अगर टू न्यूक्लियॉन्स अबाउट टू फेमटोमीटर, ओके, अबाउट टू फेमटोमीटर या फिर नियर बाय इट, इतना अगर उनका डिस्टेंस है एक दूसरे के दरमियान, देन ये मेसोन्स या ये पायोन्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर इंटरेक्शन को कैरी आउट करने के लिए।
और अगर जो न्यूक्लियर इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन है अगर वो 0.6 से लेकर 1.5 फेमटोमीटर तक है, दीज आर द रफ फिगर्स, इनके दरमियान अगर है मीन्स काफ़ी क्लोजली हैं तो 2 पायोन्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पायोन होता है एक्सचेंज एट अ टाइम, 1.5 से 2 और इससे ग्रेटर अगर हो तो उनमें सिर्फ 1 पायोन एक्सचेंज होते हैं एट अ टाइम, मीन्स एक पायोन इमिट होता है और एक ही पायोन एट अ टाइम एब्जॉर्ब होता है बाय अन्यूक्लियॉन। लेकिन अगर डिस्टेंसेज इन दोनों के दरमियान इतने कम है तो उसमें 2 पायोन्स एट अ टाइम इमिट भी होते हैं और सिमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी होते हैं, तो इसमें 2 पायोन्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन इज 0.4 फेमटोमीटर इससे लेस या इससे 0.6 फेमटोमीटर तक जा रहा है तो मीन्स वेरी क्लोजली placed to each other, then जो mesons involved होते हैं उन्हें हम omega mesons कहते हैं, W mesons, या फिर इसमें 3 pion exchange होते हैं, okay। और इनका जो effect होता है वो repulsive होता है, इन सब का bonding करता है, इन सब का attractive होता है, जबकि too closely spaced हों तो उनके लिए जो mesons आते हैं उनकी interaction के नतीजे में repulsive रिजल्ट्स आते हैं, मीन्स रिपल्सिव नेचर इनका होता है। ये हम फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल है और यहाँ से ये पॉजिटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स रिपल्सिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये मीन्स अट्रैक्टिव होगा। और इन इस रीजन में ये जो रीजन है इसमें 2 पाई एक्सचेंज होंगे, जबकि ये जो रीजन है इसमें 1 पाई एक्सचेंज होता है, मीन्स 1 वर्चुअल पार्टिकल एट अ टाइम, देयर 2 वर्चुअल पार्टिकल हेयर। जो ये रिपल्सिव वाला पार्ट है इसमें 3 पायोन्स एक्सचेंज होते हैं और इसे ओमेगा एक्सचेंज कहते हैं और इसके रिजल्ट में रिपल्सिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसमें सारी नहीं लेकिन मैं कुछ इंटरेक्शंस को शो कर देती हूँ और उनकी फेमन डायग्राम को बना देती हूँ। तो सबसे पहले हम एन इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूट्रॉन मैं ले रही हूँ, ओके, दिस वन, और ये पायोन को इमिट करेगा, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन ही रहेगा वो, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ थिंग दैट कैन हैपन के न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहे आफ्टर द इमिशन ऑफ पायोन। चेंज हो सकता है प्रोटॉन में, वो भी हम देख लेंगे इससे बाद, तो मतलब पॉसिबल हो सकता है। तो अभी चार्ज कंजर्वेशन और स्पिन कंजर्वेशन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, ये भी स्पिन हाफ पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इधर भी वही है ना, क्योंकि तो अब क्योंकि स्पिन यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 हो चुकी है, तो अगर इसकी स्पिन अदर देन ज़ीरो हुई तो स्पिन कंजर्वेशन नहीं होगी दोनों साइड्स पे, तो इसकी स्पिन जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है चार्ज कंजर्वेशन, और फॉर चार्ज कंजर्वेशन न्यूट्रॉन्स पे ज़ीरो चार्ज है, इस पे भी ज़ीरो चार्ज है, तो अगर इसका चार्ज ज़ीरो के अलावा कुछ हुआ तो भी चार्ज कंजर्वेशन नहीं होगी, सो इट्स चार्ज विल बी ज़ीरो। तो ये अनचार्ज या फिर न्यूट्रल पायोन है जो कि इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पीपी इंटरेक्शन भी अगर होगी ना, जिसमें मतलब प्रोटोन प्रोटोन ही रहेगा, तो उसमें भी न्यूट्रल पायोन से इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले इसका हमने देख लिया। अब ये वाला न्यूट्रॉन इसके इमिट किए हुए पायोन को एब्जॉर्ब करेगा ये वाला, और न्यूट्रॉन ही रहेगा वो, ठीक है। और ये हमने एक तरह की इंटरेक्शन लिख दी है 2 न्यूट्रॉन्स के दरमियान। आप ये इन न्यूट्रॉन्स को नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से ये N1 न्यूट्रॉन है, ये N2 न्यूट्रॉन है, ये भी N1 न्यूट्रॉन है, ये N2 न्यूट्रॉन है जिसने एब्जॉर्प्शन की। तो अगर मैं इसकी फेमन डायग्राम बनाऊँ, और सिमिलरली प्रोटोन के केस में भी यही होगा, ये P1 इस पर चार्ज है और ये P1/2, और इसने इमिट किया ये, और यही होना चाहिए क्योंकि स्पिन और चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं ये पीपी इंटरेक्शन अगर होगी। और दूसरा प्रोटॉन जो है इसके इमिट किए हुए पायोन को एब्जॉर्ब करेगा और ये बन गया, ओके। तो ये हमारे पास इंटरेक्शन हो चुकी है। इसी तरह एनपी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी फेमन डायग्राम बनाते हैं, तो मैं प्रोटॉन्स के लिए बना देती हूँ। तो ये पहले इंसिडेंट मीन्स इनिशियल जो है ना, ये वाला और ये वाला इनिशियल प्रोटॉन्स हैं, इनिशियल पार्टिकल्स हैं बिफोर इंटरेक्शन। तो ये और एक ये प्रोटॉन, और इसने इमिट किया पायोन को। पायोन को हम इस तरह की लाइन से शो करते हैं और इस पर हम लिख देते हैं P0, ठीक है। इसने इसको यहाँ पे इमिट किया और इमिट करने के बाद ये वाला प्रोटॉन इधर चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटरिंग हुई मोमेंटम चेंज की वजह से, और ये प्रोटॉन ही रहा।
और ये ऐसे इसकी स्कैटरिंग हुई और इस वाले प्रोटॉन ने इस पायोन को, इसके इमिट किए हुए पायोन को एब्जॉर्ब किया और ये भी स्कैटर हो गया और प्रोटॉन ही रहा। तो ये हमने फेमन डायग्राम कर दी है फॉर पीपी इंटरैक्शन। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि लेट्स से पीपी इंटरैक्शन में क्या ये पॉसिबल है कि दोनों की नेचर चेंज हो जाए, मीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए, ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल है या नहीं। तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर चार्ज एंड स्पिन कंजर्वेशन इन पे अप्लाई होती है, यानी अगर हो जाती है तो हम कर सकते हैं। तो ये पी वन एंड वन बाई टू, लेट्स से यहाँ पे एक पायोन इमिट हुआ जिसका हमें अभी नहीं पता कि उसका वो क्या है सब कुछ, तो ये लेट्स से न्यूट्रॉन इसमें इमिट हो गया और ये भी स्पिन हाफ है, तो ये स्पिन हाफ है, ये भी स्पिन हाफ है, तो इसकी स्पिन ज़ीरो होनी चाहिए और इसका चार्ज वन है, इसका चार्ज ज़ीरो है, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, इसका चार्ज वन होना चाहिए ताकि चार्ज कंजर्वेशन हो। वन प्लस ज़ीरो इज़ वन और यहाँ पे भी वन, तो यहाँ तक तो ये ठीक चल रहा है। अब दूसरा प्रोटॉन, क्योंकि पी पी इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो दूसरा प्रोटॉन है वो इस पायोन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब उसे उसूलन न्यूट्रॉन बन जाना चाहिए या फिर कुछ कोई ऐसा न्यूक्लियन बनना चाहिए जिसे मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करती हूँ, जिसके चार्ज जो है वन प्लस वन टू हो, क्योंकि एक ही न्यूक्लियन रिजल्ट होता है ना, और स्पिन जो है हाफ होनी चाहिए। तो ऐसा कोई न्यूक्लियन न्यूक्लियस में नहीं होता जिसका चार्ज टू हो, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, पी पी इंटरेक्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं चेंज होता, इसी तरह एन एन इंटरेक्शन जो है उसमें भी नेचर ऑफ न्यूक्लियन चेंज नहीं होता, सेम ही न्यूक्लियन रहते हैं। तो एन एन और पी पी इंटरेक्शन में एक ही मेजोन इन्वॉल्व होता है, वो न्यूट्रल मेजोन है, और डिपेंडिंग अपॉन के मतलब दोनों में के दरमियान डिस्टेंस क्या है, स्पेसिंग क्या है, वो फिर टू पायोन एक्सचेंज, थ्री पायोन एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन वो अभी हमारे हमने वो नहीं स्टडी करना। तो नेक्स्ट है एन पी इंटरेक्शन। एन पी इंटरेक्शन मीन कि एक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। एन पी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ना, तो इनके दरमियान भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। इसमें मैंने एन को फर्स्ट लिया है, तो इट मीन्स एन विल इमिट, एंड प्रोटॉन को सेकेंड लिया है, प्रोटॉन विल बी द वन दैट विल एब्जॉर्ब द मेसॉन। तो न्यूट्रॉन दैट विल इमिट अ पायोन और इट विल चेंज इनटू प्रोटॉन। सिंपलेस्ट केस तो ये होगा कि लेट्स से ये न्यूट्रॉन ही रहे, और एक और केस है जिसमें ये प्रोटॉन बन जाए। ठीक है, वो न्यूट्रॉन ही रहे, वो वाला भी देख लेंगे। तो प्रोटॉन ही रहे, तो इसका चार्ज पी वन है, इसकी स्पिन हाफ, इसकी भी स्पिन हाफ, तो इसकी स्पिन ज़ीरो होनी चाहिए, और यहाँ पे इसका चार्ज ज़ीरो है, इसका चार्ज वन है, तो यहाँ पे इसका चार्ज माइनस वन होना चाहिए ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर सके। माइनस वन प्लस वन विल भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो नेक्स्ट ये पायोन एब्जॉर्ब करेगा सेकंड इंटरैक्टिंग पार्टिकल विच इज प्रोटॉन हियर, और वो बन जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन दोनों के चार्जेस को सम अप करें तो न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस फिजिबल है, ये हो सकता है, और इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है पहला पार्टिकल विच इज़ न्यूट्रॉन जिसने इमिट किया। ठीक है, दूसरा पार्टिकल जो एब्जॉर्ब करेगा वो इधर, विच इज़ प्रोटॉन हियर। ठीक है, प्रोटॉन हियर, और इसने इमिट किया पायोन को, जिसको हम इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको यहाँ पे पाई माइनस वन इमिट उसने किया, तो यहाँ पे लिख दिया। तो न्यूट्रॉन ने इसको इमिट किया और स्कैटर हुआ और बन गया प्रोटॉन। ठीक है, साथ साथ स्कैटर भी हुआ, और प्रोटॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया और स्कैटर हुआ, और साथ साथ वो बन गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने इस तरह से शो कर दिया है। अब एन पी इंटरेक्शन में ये भी हो सकता है कि इनकी नेचर में भी चेंज ना हो, लाइक एन पी इंटरेक्शन है तो पहले एन है, इसने इमिट किया पायोन और न्यूट्रॉन ही रहा वो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये आप देख सकते हैं कि इस पर न्यूट्रल पायोन हो ये, तो इसी तरह प्रोटॉन ये न्यूट्रल पायोन को एब्जॉर्ब करेगा और ये प्रोटॉन ही रहेगा, तो ये भी अलाउड है। तो इस तरह से, और पी एन इंटरेक्शन में आप देख सकते हैं कि वेदर पाई माइनस वन इज़ अलाउड और नॉट, तो वो आप देख सकेंगे कि अलाउड नहीं होगा, लेकिन पाई प्लस वन आई थिंक दैट विल बी अलाउड। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल है, और हर इंटरेक्शन में जो मेजोन है या पायोन्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये सारी अजम्पशन और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए युकावा ने जो पोटेंशियल फाइंड आउट किया जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सच मेजोन पार्टिकल्स, वो उसने कैलकुलेट किया, और उसी एक्सप्रेशन हमें ये मिलती है। ओके, वेयर आर नॉट इज़ द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, और वी नॉट
यहाँ पे अगर इसकी ओरिजिनल फॉर्म देखें तो जी स्क्वेयर है, वे जी इज कॉन्स्टेंट, जस्ट लाइक जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसी तरह जी भी, एंड इट्स प्रोबेबली द ग्लूऑन पे जो चार्ज है वो, लेकिन इसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल मेन फॉर्म ये थी जो कि हम युकावा पोटेंशियल के नेम से जानते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पोटेंशियल फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस।